सो हेलो गाइस, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। आज मैं आपको बताऊंगा कि कुछ इस तरह की फोटो एडिटिंग कैसे कर सकते हैं, वो भी स्नैपशीट से। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आप अपनी फोटो को आपको गैलरी से सेव कर सेलेक्ट कर लेना है, एंड सेलेक्ट करने के बाद उसे स्नैपशीट में सेंड कर देना है। सेंड करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सिंपल से आपको टूल्स वाले ऑप्शन जाना है, एंड टूल्स वाले ऑप्शन में जाने के बाद टून इमेज को सिलेक्ट करना है। आपको ब्राइटनेस को 30 के आसपास रखना है, एंड कंट्रास्ट को हल्का सा माइनस कर देना है 20 के आसपास, और सैचुरेशन को भी हल्का सा इंक्रीज कर लेना है 10 के आसपास, और हाईलाइट को थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है लगभग 15 के हिसाब से, एंड शेडोज़ को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है 30 के लगभग। तो सिंपल से देख सकते हैं हमारी फोटो यहाँ से बिफोर एंड आफ्टर एडिट हो चुकी है। सिंपल से आपको विंटेज के ऑप्शन में जाना है, एंड विंटेज के ऑप्शन में जाने के बाद आपको ब्राइटनेस कर लेना है थोड़ा सा 50 के आसपास, एंड सेचुरेशन को भी हल्का सा डिक्रीज कर देना है अबाउट 70 के आसपास, एंड स्टाइल स्ट्रेंथ को भी आपको 5 के आसपास रख लेना है, एंड बिगिनर स्ट्रेंथ को भी आपको 30 के आसपास रख लेना है। तो सिंपल से आपने फोटो कर देते हैं डन, और यहाँ चलते हैं वीव स्टैक पे। यहाँ पे आपको व्यू एडिट सिलेक्ट कर लेना है, एंड सेलेक्ट करने के बाद विंटेज का ऑप्शन खोलना है, एंड इसे पेंसिल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एंड सेलेक्ट करने के बाद आपको पूरे फोटो को पर बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना है, एंड सेलेक्ट करने के बाद इस ब्रश को जीरो कर लेना है, और अपने फोटो को जूम करने के बाद जो फिल्टर फेस पे हुआ है इसको इरेज करना है। सो वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। साथ ही साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आप देख सकते हैं कि जो चेहरे पे हमारे फिल्टर हुआ था वो कितनी आसानी से साफ हो गया है। आप सब देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर हमारी फोटो पर कितने परफेक्टली मोडेड ब्लैक टोन आ चुका है। तो सिंपल से यहाँ से हम इसे डन कर लेते हैं।